तो गाइस आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल आदि लिटिल गेमर में। और गाइस जैसे कि आप लोग बताए कि मैं एक स्मार्टफोन गेमर हूँ, तो मैंने अभी तक एक भी गेम पैड नहीं मंगवाया अपने स्मार्टफोन के लिए। और मैं आपको पहले बता दूं कि PS3 PS4 स्मार्टफोन एंड्रॉयड TV सारे एंड्रॉयड डिवाइस और एप्पल और iOS पे भी काम करता है। तो बॉक्स खोलते ही हमें सबसे पहले यहाँ पे एक ये मैनुअल मिल जाता है, एक ये गॉन्टलेट स्क्रॉल मिल जाता है जिसमें गेम्स दिए रहते हैं थोड़े बहुत कि कौन कौन से होंगे, और इसका एक मेन मैनुअल मिल जाता है, और स्टिकर्स मिलते हैं जो कि मैं यूज़ कर चुका हूँ, और इसमें आपको एक कंट्रोलर मिलता है अपना मेन। इसके बाद अभी हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं और कुछ तो नहीं डिब्बे में। इसे खोलेंगे तो इसके अंदर आपको एक पाउच मिलता है जिसमें ईवो फॉक्स की ब्रांडिंग है, और इसके अंदर आप डाल सकते हो। और इसका इसमें आपको ये दिया है, अब इसे खींच के बंद करने वाला है, इसे भी साइड में रख देते हो। अब और कुछ देखे है, एक इसमें चार्जिंग केबल आपको देखने को मिलती है चार्ज करने के लिए। इस गेम पैड में आपको 8 घंटे तक का प्लेइंग टाइम मिलता है, और उससे थोड़ा कम भी मिल सकता है क्योंकि इसमें आपको RGB भी देखने को मिलती है, की मैप मोड भी है, और तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आप अपने हिसाब से। RGB जितना चलाओ जितना यूज़ करो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, और उसका चार्जिंग टाइम 2 घंटे। और बॉक्स में आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो गाइस अब हम लोग कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। कंट्रोलर की बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है सच में, मैं ईवो फॉक्स 1 और ईवो फॉक्स गो को भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, उनकी इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं थी। इसकी जॉयस्टिक भी ज़्यादा अच्छी ईवो फॉक्स 1 और ईवो फॉक्स गो से। इसमें RGB भी देखने को मिलती है, और यहाँ पे की मैप मोड दिया, और ये ऑन बटन है डोजो के नाम का, इनका ऐप है डोजो उसके नाम का है ऑन बटन। और इसमें आपको बहुत से फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ बीच में अच्छा लगता है लुक इसका, और ग्रिप बनी हुई है कि फ़ोन को कुछ डैमेज ना हो। यहाँ पे बड़े अच्छे से रबर लगा के रखा है फ़ोन को कुछ डैमेज ना हो, और फ़ोन इसमें इजीली फिट हो जाए, यहाँ से नीचे ना गिरे, यह भी दिया हुआ है। और अगर बात करें कि कितना ज़्यादा खुलता है, तो ये बहुत ज़्यादा खुल जाता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इससे और ज़्यादा थोड़ा खुलता है, मैं अभी खोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसको मैं आपको ऑन करके फिर उसके आगे का दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी गेम। पहले मैं उसको उसका लुक दे देता हूँ और इसके सारे ऑन के फीचर्स बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसे नॉर्मली ऑन कर सकते हो, ये यहाँ पे दो जो बटन है इसे 2 सेकंड के आप दबा के रखोगे ऑन हो जाएगा कंट्रोलर। फिर आप ब्लूटूथ के सेटिंग में जाओगे, वायरलेस कंट्रोलर के नाम से कनेक्ट कर लेना, और अगर आप की मैप मोड को 2 सेकंड के लिए दबा कर चालू करोगे तो आपको इसमें आपको गेम में सेटिंग्स मिलती है, सेटिंग्स रहती है पहले से, आप इसके साथ आप खेल सकते हो। जैसे कि अगर आपको ने एक गेम एक कंट्रोलर में सेटिंग्स करके रखी है, अब आपको सेटिंग्स दूसरा गेम खेलना है जिसमें आपको दूसरी सेटिंग चाहिए, तो आप एक से डोजो में कर सकते हो, और दूसरा गेम उसमें ऐप में सपोर्टेड नहीं रहता उसको की मैप से कर सकते हो, और दोनों ही बटन से आप कर सकते हो। इससे ईवो फॉक्स डेक नाम का आता है की मैप से। और अभी हम लोग इसे पहले ऑन कर लेते हैं, मैं डोजो से ही ऑन करूँ क्योंकि अभी मुझे इतने सारे गेम्स खेलने नहीं है। और इसमें आपको बहुत सी RGB देखने को मिलती है, वाइब्रेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है वो भी आपको इसमें देखने को मिलती है। और जो इसकी जॉयस्टिक है इसके आपको अगर कलर के मोड चेंज करने हैं तो एक की मैप प्लस ए दबाना है, ये यहाँ पे ए है इसे दबाना है, की मैप प्लस ए से आप पता लगा पाओगे कितनी परसेंट बैटरी, जैसे अभी मेरी फुल 100% बैटरी है। और अब की मैप प्लस एक्स दबाओगे आप तो इनका कलर चेंज हो जाएगा जॉयस्टिक का इस, और जॉयस्टिक में आपको टोटल 8 कलर्स देखने को मिलते हैं, एक मल्टी कलर भी देखने को मिलता है।
बंद को मिला के, ऐसे आपको सात देखने को मिलते हैं। और की मैप प्लस बी से यहाँ पे लाइट जल जाती है, आप देख सकते हो बटन्स में। और इसका लुक बहुत प्यारा लगता है।